हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीए सेकंड क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट में हम एक टॉपिक और लेंगे। ओके, तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने वर्क किया 2 ईयर्स के लिए। मैं सीएसआर एग्जाम एज अ जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ इन इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम। आई ऑल्सो क्वालिफाइड सीबीएसई यूजीसी नेट एग्जाम एज अ जीआरएफ 3 टाइम्स एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट। ओके, नाउ इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट सेकंड को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पार्ट वन को मैंने अभी अपलोड कर चुका हूं मैं बीएस एकेडमी चैनल पर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, और इससे पहले हम पीपल एंड एनवायरनमेंट और आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं तो प्लीज स्टूडेंट्स आप उनको देख लीजिएगा। तो इसमें इस वीडियो में हम मेनली 2 टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे लेंगे साइकोलॉजी थ्योरीज, कौन कौन सी साइकोलॉजी थ्योरीज हैं और कैसे कैसे वो वर्क करती है। थोड़ा डिटेल नहीं, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही काफी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पेपर में इतना साइकोलॉजी थ्योरी के बारे में इतना डिटेल नहीं है। तो केवल स्मॉल स्मॉल सेक्शन से ही आपका काम चल जाएगा। देन द मॉडर्न टीचिंग मेथड, कौन कौन से मॉडर्न टीचिंग मेथड्स हैं, कौन कौन से, कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे कैसे इम्पैक्ट होता है उसका स्टूडेंट्स और टीचर पे, ये हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी थ्योरीज देखते हैं, कौन कौन सी साइकोलॉजी थ्योरी हमें पढ़नी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके अंदर मेनली जो आती है बिहेवियरल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी, ह्यूमनिस्ट थ्योरी, पर्सनैलिटी, सोशल साइकोलॉजी एंड लर्निंग थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, और सबसे पहले इसमें जो है हमारे पास वो बिहेवियरल थ्योरी है, यानी बिहेवियर, यानी नाम से पता पड़ रहा है बिहेवियर, यानी ये स्टूडेंट्स के या फिर टीचर के बिहेवियर पे वर्क करके आगे उसमें हम करते हैं। तो ये थ्योरी जो है जनरली एज सच मतलब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच के लिए नहीं, थ्योरी जनरली हम एक पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए मैं लेके चल रहा हूँ उसमें। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे, तो मैं यहाँ पर एक जनरल थ्योरी बताऊंगा आपको, आप उसको स्टूडेंट्स और टीचर में आपस में इंटरेक्ट करके आप उनको कोरिलेट कर लीजिएगा। तो जो थ्योरी होती है बिहेवियर थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। ओके, तो आपके मतलब में ये है कि किसी आपके अंदर अगर किसी चीज को लर्न करना है तो आप अपने बिहेवियर को उस तरह का बिहेवियर एक्वायर करके आप उसको लर्न कर सकते हैं। यानी आपने अगर कोई सोच लिया है कि मुझे ये सीखना है तो आपको वो चीज कोई भी इंसान या कोई भी चीज आपको उसे सीखने से नहीं रोक सकती। ओके, तो यूज इन थेरेप्यूटिक सेटिंग टू हेल्प द क्लाइंट लर्न न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर। अगर किसी क्लाइंट्स में यानी किसी भी जब कोई स्टूडेंट या कोई क्लाइंट कोई टीचिंग करता है या ट्रेनिंग करता है तो उसको नई स्किल सिखाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। ओके, तो बिहेवियर थ्योरी से किसी भी तरह से हम कोई भी सब्जेक्ट या कोई न्यू स्किल आराम से सीख सकते हैं जस्ट बाई चेंजिंग अवर बिहेवियर। कंडीशनिंग अकर थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। अब देखिए, किसी भी आदमी कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, वो डिपेंड करेगा उसके एनवायरनमेंट से और उसका इंटरेक्शन से। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत से जो गरीब आदमी हैं, गरीब स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर अपना एनवायरनमेंट उनका उतना पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, बट वो अपनी कंडीशन को चेंज करके अपनी कंडीशन का मतलब है यहाँ पर बिहेवियर कंडीशन से, इनका फिजिकल कंडीशन से नहीं, बिहेवियर कंडीशन से अगर वो मान के चले कि मुझे आगे जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट अवर रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट शेप अवर बिहेवियर, यानी हम किस तरह से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा शेप कैसे चेंज होगा, बिहेवियर कैसे चेंज होगा, और उस बिहेवियर को चेंज करके हम किस तरह से नई स्किल या नई लर्निंग कैसे आगे एक्वायर कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी डिपेंड ऑन फोकस ऑन इंटरनल स्टेट्स सच एज हमारे अंदर का मोटिवेशन कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कैसी है, हम कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसा टेंशन हमारा रहता है। यानी हमारा ऐसा नहीं है कि हमें कोई लेक्चर पढ़ाया जा रहा है और हमारा ध्यान कहीं और है, तो हमारा उस मूड क्या रहता है, किस समय का मूड रहता है, कैसे हम उस सेल्फ अटेंडिंग कितने हो पाते, तो कॉग्निटिव थ्योरी में हम ये बताते हैं। ओके, कॉग्निटिव थ्योरी इज ऑल्सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, परसीव, रिमेंबर एंड लर्न। तो कॉग्निटिव थ्योरी एक्चुअली में क्या होता है, ह्यूमन स्टेट इंटरनल स्टेट्स के अंदर होता है, ह्यूमन इंटरनल स्टेट्स के बारे में बताता है, कैसे मोटिवेट होता है, कैसे आदमी सोचता है, कैसे याद रखता है, कैसे उसको मोटिवेट करने के कैसे कौन कौन से फैक्टर है और किन चीजों से वो डीमोटिवेट होता है, तो सारी की सारी चीजें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आती है। ओके स्टूडेंट, और ये इसका जो डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो होता है कॉग्निटिव थ्योरी का इंक्लूड होता है न्यूरल साइंस के अंदर, फिलोसफी के अंदर और लिंग्विस्टिक्स में। लिंग्विस्टिक मतलब
लैंग्वेज सीखने के अंदर, जो लैंग्वेज सिखाते हैं कोर्स उसमें ये यूज होता है। नेक्स्ट इसमें इसी में द कोर फोकस ऑफ द कॉलेज कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज ऑन हाउ पीपल एक्वायर प्रोसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। यानी इसका जो मेन चीज होता है कॉग्निटिव थ्योरी का, कि स्टूडेंट्स कैसे प्रोसेस कैसे किसी नॉलेज को एक्वायर करता है, प्रोसेस करता है, उसको चीज को अपने दिमाग में स्टोर कर पाता है। तो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ओके फॉर कॉग्निटिव रिसर्च, जैसे इंप्रूविंग मेमोरी इंप्रूवमेंट यूज होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, डिसीजन मेकिंग एक्यूरेसी में यूज होता है, कैसे हम एजुकेशन का स्ट्रक्चर करिकुलम इनहांस कर सकता है, लर्निंग के लिए इनहांस कर सकते हैं, सभी में ये यूज होता है। ओके स्टूडेंट, कॉग्निटिव थ्योरी जो होता है इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ओके, तो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, यानी आज आप जो चीज सीखी हो सकता है आप 10 साल बाद अप्लाई कर पाए उसे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है डेवलपमेंट थ्योरी। डेवलपमेंट थ्योरी नाम से पता पड़ रहा है, तो प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर थिंकिंग अबाउट ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट थ्योरी का यह है कि जिस तरह से एक चाइल्ड छोटा होता है, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, उस तरह से फिर वो एडल्ट स्टेट पे आता है और फिर उसके बाद वो कॉलेज स्टूडेंट्स पे जाता है, तो उस तरह का जो उसका डेवलपमेंट प्रोग्रेस होता है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, तो उसके अंदर जो लर्निंग की कैपेबिलिटी होती है वो समय के साथ चेंज होती रहती है। तो डेवलपमेंट थ्योरी का मतलब होता है उसमें स्टूडेंट्स को चाइल्ड में कौन सा चीज पढ़ाना चाहिए, फिर एडल्ट में क्या पढ़ाना चाहिए, फिर कॉलेज में क्या पढ़ाना चाहिए, और फिर कैसे वो नई स्किल एक्वायर करें, इस सारा का सारा हम स्किल डेवलपमेंट थ्योरी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्ट थ्योरी। ह्यूमनिस्ट थ्योरी ये जो थ्योरी थी बहुत पॉपुलर थी 1950s के अंदर, तो इसके जो जो इसके ह्यूमनिस्ट थ्योरी के जो साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। ओके, मैस्लो लॉ पढ़ा होगा आपने, मैस्लो लॉ, तो उसके अंदर ये फोकस ऑन एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी फोकस ऑन एबनॉर्मल बिहेवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ह्यूमनिस्ट थ्योरी एम्फसाइज द बेसिक गुडनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हम मेनली साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज के अंदर ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, बट इसके अंदर एक्चुअली में ह्यूमनिस्ट थ्योरी के अंदर कि कोई आदमी किस तरह से गुड वे से, उसके अंदर कितना ह्यूमन का मतलब है गुडनेस। ओके, यहाँ पे ह्यूमन का मतलब है गुडनेस, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी हम मान के चले कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर गुड, तो उस वजह से हम कैसे उसको आगे उस वो पर्सन आपस में कैसे बातें करते हैं, तो इस तरह से इस थ्योरी को हम आगे अप्लाई करते हैं। तो वही इस तरह से स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप होता है वो गुड रिलेशनशिप होता है, तो उसमें ह्यूमनिस्ट थ्योरी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देन द पर्सनैलिटी थ्योरी। पर्सनैलिटी थ्योरी यहाँ पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, यानी इंडिविजुअल लेवल पर ये वर्क करती है। ओके स्टूडेंट, तो एक्सेस द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल अराउंड अस, यानी जिस वे का जिस एनवायरनमेंट का हमारी पर्सनैलिटी का ऑरा होगा उस तरह का हम सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप मान के चलिए आप जैसे आपको स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में है, तो जो आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट होगा वो सारे आपके आसपास एथलीट होंगे, क्रिकेटर्स होंगे, फुटबॉलर्स होंगे, तो उसी तरह से जब आप किसी स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो आसपास जो आपके आपके जो लोग होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं उसी वे में क्लासरूम में, इसलिए हर एक को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि सिक्स क्लास का मतलब ये होता है कि ये छठी क्लास में है, तो उसका जो आसपास का जो एनवायरमेंट होगा उस तरह की जो पर्सनैलिटी होगी वो सारे के सारे उसी के आपस के जो नेचर के जो लोग होंगे उसी का होगा। नेचर मतलब यहाँ पे एक क्लास से है। ओके स्टूडेंट्स, तो हाउ एंड व्हाई पीपल बिहेव एज दे आर डू सिमिलर टू व्हाट पर्सनैलिटी को साइकोलॉजी टू, यानी इसका मतलब ये है कि कैसे ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है आपस में रहकर और उनका नेचर सिमिलर है या फिर किस वे में डिफरेंट है, इसमें भी हम पर्सनैलिटी थ्योरी में चेक करते हैं। ओके, तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी आल्सो लुक द पैटर्न ऑफ थॉट्स फीलिंग्स बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक। यानी पर्सनैलिटी के अंदर थ्योरी के अंदर हम किसी आदमी के थॉट्स को, फीलिंग्स को और बिहेवियर को चेक करते हैं और साथ में फिर देखते हैं कैसा वो आदमी उसे यूनिक बनाता है, क्योंकि मान के चलते हैं कि हर आदमी एक आदमी से दूसरे आदमी से बहुत यूनिक होता है, किस लेवल में यूनिक होता है तो पर्सनैलिटी थ्योरी से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी थ्योरी। तो सोशल साइकोलॉजी से मतलब है सोशल अलग है, साइकोलॉजी अलग है, देन दोनों को मर्ज करके एक थ्योरी बनी है सोशल साइकोलॉजी थ्योरी, आप इसे सोशल थ्योरी भी कह सकते हो। ओके, तो फोकस करता है फोकस ऑन हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर का मतलब यह है कि यहाँ पर हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अगर पार्टी है तो हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम किसी के फ्यूनरल पे गए हैं कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, तो ऑल दिस एग्जांपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी थ्योरी। तो सोशल साइकोलॉजी थ्योरी जनरली सेंटर ऑन स्पेसिफिक सोशल फिनोमेना इंक्लूडिंग ग्रुप बिहेवियर, प्रो सोशल बिहेवियर, सोशल इन्फ्लुएंस, लव
मच मोर इस तरह का, मतलब हम कैसे एक दूसरे से हम आपस में बातें करते हैं, कैसे हम एक दूसरे के किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैसे कंडीशन में एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर हमारा बिहेवियर होता है, तो इस तरह की हम जो बातें होते हैं हम करते हैं। जैसे हम मान के देखिए, हम मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर में हम जाते हैं तो हमारा एक अलग तरह का बिहेवियर बन जाता है कि मंदिर में जाके हमें पूजा पाठ करना है, हमें शांत रहना है और आराम से पूजा पाठ करके हमें चला जाना है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, प्रॉपर वे में कोशिश करते हैं कि वहाँ कीर्तन भजन जो हो रहे हैं उनको कंटिन्यू करें, हम वहाँ पर शोर शराबा का जो माहौल होता है उसको उसमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब हम प्रॉपर नहीं उनको करते हैं। ओके, तो हम कैसे सोशली इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से, कैसे हमारा सोशल परसेप्शन है, सोशल बिहेवियर है, वो हमें जानने के लिए योग्य होता है। लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी का मतलब है कैसे एक आदमी किसी तरह की जो नॉलेज को एक्वायर करता है, लर्न करता है, तो फोकस ऑन हाउ पीपल लर्न एंड एक्वायर न्यू नॉलेज। तो किसी भी चीज को लर्न करने के लिए और नॉलेज को गेन करने के लिए उसे कौन कौन से फैक्टर की आवश्यकता होती है, ये सब बताते हैं। तो एक्चुअली में जिस तरह इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है, इंटरडिसिप्लिनरी का टॉपिक का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं, जिसमें साइकोलॉजी आता है, एजुकेशन आता है, स्टूडेंट डिजाइन आता है और अदर एरिया भी इसके अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर साइकोलॉजी थ्योरी में लिया है। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे मॉडर्न टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हम 21st सेंचुरी में यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा मेनली हम बहुत ब्रीफ देखेंगे इसको, ज्यादा हम लॉन्ग मैं इसको ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारी चीज आप जानते हैं। तो लेक्चर मेथड होता है, डिस्कशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, एक्सप्रेशन होते हैं और साथ में स्मार्ट क्लास है, सेमिनार्स है, वर्कशॉप्स है, कॉन्फ्रेंसेज है। तो क्या क्या है जरा एक हम जल्दी से ब्रीफली हम इसको देख लें। तो पहले तो लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड है तो लेक्चर मेथड से न्यू आइडिया जनरेट्स होते हैं और ये बड़ी क्लास जो होती है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। टीचर इज एक्सपीरियंस एंड हैज अ मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, यानी टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर जो होते हैं उनके जो जिसके पास सब्जेक्ट्स की जो मास्टरी होती है वो सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को बताता है और उनके सारे सवालों के आंसरों के जवाब देता है। अगर स्टूडेंट्स कोई रेज करता है, क्वेश्चन रेज करता है, उसके जवाब देता है और स्टूडेंट्स क्लास के अंदर लेक्चर मेथड में आराम से क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ओके, नाउ स्टूडेंट कैन आस्क इफ दे नीड एनी क्लेरिफिकेशन। नेक्स्ट है इसमें ही लर्न थ्रू लिसनिंग, यानी स्टूडेंट्स जो टीचर होता है वो अपना किसी तरह कॉन्सेप्ट को बताता दुनिया को, सॉरी क्लासरूम को बताता है और उससे स्टूडेंट्स लिसन करके उसको उस कॉन्सेप्ट को एक्वायर कर लेते हैं और उसको आगे अप्लाई करते हैं। तो टीचर एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स, जनरली सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं स्टूडेंट्स टीचर जो होते हैं क्लासरूम में सारे के सारे पॉइंट्स किसी भी रिलेटेड में उसको बताता है। तो स्टूडेंट्स अपने इनपुट दे सकता है, उस इनपुट से जब टीचर को जो फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने अंदर बिहेवियर में चेंज करके उसको आगे फिर उसको इम्प्रूव करता है। ओके, तो टीचर डिस्कस करता है सारे टॉपिक क्लासरूम में और उनकी कोशिश रहती है कि वो उसको इजी लैंग्वेज में बताए, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो इट इज गुड फॉर लार्ज क्लासेस, यानी एक जो लार्ज क्लास होती है यानी 40-50 स्टूडेंट्स या फिर 30 स्टूडेंट्स की जो क्लासरूम होती है उसके लिए बहुत अच्छे होता है और टीचर प्रोवाइड ऑल नॉलेज रिलेटेड टू टॉपिक्स, ये मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है जनरली और उस पर हमारे 8-10 मेंबर्स होते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर चीज को और वहाँ से फिर एक कंक्लूजन निकल कर आता है और ग्रुप डिस्कशन में हमें वहाँ से ये पता चलता है कि दूसरे लोग की तरफ क्या सोचते हैं। यानी एक आदमी जो सोचेगा वो बताएगा टॉपिक को क्लास में बताएगा तो उसको डिस्कस करेगा सबकी क्लास में, तो इस तरह से जो नॉलेज जो हमें गेन मिलती है, तो यानी 8-9 लोग जो होते हैं उनकी सभी के एक कंबाइंड स्टडी करके एक कंक्लूजन निकल के आता है और उसमें जो भी कोई गलतियां होती हैं या सही होता है गलत होता है वो सब हमें पता पड़ जाता है। तो इसके अंदर जो हमें जरूरत पड़ती है यानी इसके अंदर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन की आवश्यकता पड़ती है, स्टूडेंट्स दूसरों के पॉइंट्स को आराम लिसन करता है, अपनी ओपिनियन देता है। ओके, और वो वहाँ से जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो टीचर उस स्टूडेंट्स टीचर से उस चीज को पॉइंट को सॉरी हमारे है। ओके, तो उसके अंदर उनको पढ़ता है, उनको बताता है कि हमारा कंक्लूजन क्या आया है, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो उसको टीचर उसको उन स्टूडेंट्स को आपस में बताता है। तो स्टूडेंट इससे एक नई तरह से नई चीज़ें सीखता है और उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको सीखता है और जो आजकल के जो मैनेजमेंट से जो एडमिशन होते हैं उसमें अंदर ग्रुप डिस्कशन जो होता है एक वन ऑफ द फेस होता है जिसमें उनको स्टूडेंट्स को क्रॉस करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स से आइडिया एक्सचेंज करता है, इससे स्टूडेंट्स के बिहेवियर के बारे में पता चलता है किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर दौरान पता पड़ता है कि वेदर ही इज एग्रेसिव और प्रोटेक्शनिस्ट यानी प्रोटेक्ट भी लेके आगे बढ़ता है। तो आफ्टर डिस्कशन स्टूडेंट गिव देयर प्रेजेंटेशन, टीचर्स करेक्ट देयर मिस्टेक्स ऑल्सो। नाउ द इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक स्टूडेंट को एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक टीचर का टॉपिक दे दिया जाता है और उसके अंदर उस स्टूडेंट को टीचर को उसमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। तो स्टूडेंट फर्स्ट थॉरली अंडरस्टैंड द टॉपिक बिफोर गिविंग द प्रेजेंटेशन, दैट इज मास्टरी ऑन टॉपिक, यानी स्टूडेंट्स को उस चीज को प्रेजेंट करने से पहले उसको थॉरली अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि इससे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल
आगे इम्प्रूव होती है ओके स्टूडेंट्स, और साथ में कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है, कैसे हमको क्लास में बिहेव करना है, कैसे हमें बोलना है, यानी इसको किस तरह से हमें ड्रेस होना है, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू स्पीक, हाउ टू गिव द आंसर्स टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यहाँ पे पता चलता है। तो इट इज अ गुड वे टू लर्न फॉर ओनली फॉर वन स्टूडेंट हु इज प्रेजेंटिंग। ऐसा नहीं है कि ये एक स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इसके लिए प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी बुक्स को फाइंड आउट करता है, मटेरियल कलेक्ट करता है, और टीचर के सुपरविजन में सारा का सारा ये काम होता है। असाइनमेंट्स जो है डिफरेंट, जो एक टॉपिक स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है, टीचर देता है उस असाइनमेंट को लेकर फिर स्टूडेंट्स वेबसाइट्स पर या फिर डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर उस पर्टिकुलर असाइनमेंट को कंप्लीट करता है, यानी इंफॉर्मेशन यहाँ पे वेबसाइट और प्लेस से वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और वहाँ से फिर अपना जो डॉक्यूमेंट होता है उसको फिर वो क्लासरूम में टीचर के सामने सबमिट करता है, जिसका एक्टिव वे ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है सेमिनार। सेमिनार में तो हर एक स्टूडेंट्स एक प्लेस इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के लोग आते हैं। डिफरेंट कैटेगरी से मतलब मेरा यहाँ पर डिफरेंट प्रोफेशन से हैं वो आते हैं, कभी बहुत से जैसे विदेशों से आते हैं और उन्होंने जो साल भर में जो काम किया वो बताते हैं। कभी कभी साल भर में होता है, कुछ कोई छः महीने में भी सेमिनार्स होते हैं और उसके अंदर वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे वर्क किया, तो इससे स्टूडेंट्स को मोटिवेट होते हैं और स्टूडेंट्स को एकदम एक्टिव लर्निंग मिलती है। और इसमें जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड होता है क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंट डोमेन्स के लोग जो आते हैं, डोमेन के जो लोग आते हैं उनको एक ही मंच पर बैठने का, एक ही मंच पाने का आराम से स्टेज मिलता है, और साथ में वो स्टेज पर क्या शो करते हैं, क्या वो स्टेज से मतलब प्लेटफॉर्म से है, और एक क्लासरूम में कैसे वो सेमिनार में कैसे डिस्कस करते हैं, डिफरेंट सेमिनार में जो डिफरेंट आइडियाज आते हैं, आइडियाज जनरेट होते हैं, उनको भी हम अवगत होते हैं। नेक्स्ट है वर्कशॉप के अंदर गिव अ चांस टू मीट अदर पीपल ऑफ द सेम प्रोफेशन ओके स्टूडेंट्स। जैसे मैं मान लो ICT की वर्कशॉप है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को अंदर जो CPU के अंदर कौन कौन से कीबोर्ड्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उससे अवगत कराते हैं। तो जो वर्कशॉप होती है इट इज टेक्निकल एज वेल एज द नॉन टेक्निकल। जैसे एक लैंग्वेज बेस्ड वर्कशॉप है, जैसे इंग्लिश वर्कशॉप्स है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को एक एक चीज के बारे में बताया जाता है। तो वर्कशॉप में डिफरेंट लोग आते हैं जिसमें सेम प्रोफेशन के होते हैं। देन कॉन्फ्रेंसेज, जो भी अभी मैंने बता दिया इसके बारे में ओके स्टूडेंट्स, कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दिया है, तो उसमें ये बताने जरूरत है, दोबारा से रिपीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कोशिश करी सभी टॉपिक को इंक्लूड करने की, और इसके अंदर मैं टीचर का पार्ट मैंने पहले इंक्लूड कर चुका हूँ, तो मैं आई होप कि इसके अंदर जो मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्यूरी है तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी ओके स्टूडेंट। तो माई ईमेल आईडी sandeep.pranjal@gmail.com ओके स्टूडेंट। और मैं काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्जाम होने से पहले काफ़ी वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ ओके स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।